महेश्यामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के रशीद कंपाउंड के इकबाल कॉलोनी में कल रात कुछ नशेड़ियों ने मोनिस अंसारी और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की है। एक तरफ जहां मुमरा पुलिस नशेड़ियों की धर पकड़ कर रही है, तो वहीं ऐसे में नशेड़ियों द्वारा मारपीट की खबरें भी सामने आ रही है। मोनिस अंसारी ने बताया है कि इमारत के नीचे कॉन्क्रीट फ्लोरिंग का काम किया गया था और कुछ नशा करने वाले लोग वहां से जा रहे थे। जो काम किया गया है वो खराब ना हो, इसके वजह से मोनिस अंसारी ने उन लोगों को मना किया, मगर बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट तक पहुंच गई, जिसमें मोनिस अंसारी की पत्नी के साथ भी मारपीट की गई है। मोनिस अंसारी ने बताया कि ये लोग नशा करने वाले लोग हैं जो आए दिन यहाँ आकर नशा करते हैं। मोनिस अंसारी ने बताया कि करीब 6 लोगों ने मारपीट की है और इसकी शिकायत मुमरा पुलिस में की गई है। इन लोगों से क्या बातचीत की है हमारे संवाददाता रहमान शेख ने। जो कल आपका जो झगड़ा हुआ, क्या बात को लेकर आपका झगड़ा हुआ है? वो रेहान नगर सेवक है, वो कॉन्क्रीट बिछा रहा था और मैं बोला था कि 2 घंटा रुको, ये सूख जाएगा तो जाना पब्लिक। तो उसमें से एक आदमी आया बोले करके मेरे को जाने का है, मैं 2 घंटा बोला रुक जा। तो वो झगड़े पे सब छोकरे लोग को बुलाया, बोले कि आओ, बोले झगड़ा करने का है, समझे। सब को बुलाया और पूरे को बुला करके मेरी औरत को भी मारा और मेरे को भी मारा और लेटा लेटा के मारा। तो आप वो लड़के लोग को जानते हो क्या? हाँ जानता हूँ, सबको जानता हूँ मैं। हाँ, ये मामले को लेके पुलिस चौकी में कंप्लेंट किए क्या? कंप्लेन करने आया लेकिन NC लिख करके दे दिए मुझे, बोले NC है ये, FIR लिखना चाहिए तो NC है। पुलिस ने आपका NC लेके सिर्फ आपको छोड़ दी? हाँ, NC लिए, बोले कि FIR नहीं लिए, सिर्फ NC लिए। तो आप वो लड़के में से कितने लड़के लगते? 7-8 लड़के थे। उसमें से अभी तक पुलिस ने कितने लड़के को गिरफ्तार करी? 2 लोग को गिरफ्तार किए, बाकी अभी सब घूम रहे वैसे ही, और बिंदास घूम रहे हैं वहाँ पर कंपाउंड में, एकदम बिंदास घूम रहे मार के जा रहे हैं। अभी लेने के लिए लड़के लोग को जा रहे हैं। हाँ, पूरी कार्रवाई होगी, पुलिस बोली है। आप भी कल घटने में ये थे क्या? जी, मैं इनको मतलब बिन पे स्टार्ट किए थे, तो मैं बीच में गई थी इनको छुड़ाने के लिए। फिर मैं इनको छुड़ाते छुड़ाते उन लोग मेरे अंग पे आ गए, मुझे मतलब धक्का उपका देके सीने पे मारे वारे और मेरी चैन भी ले लिए। पहली बार हुआ कि हमेशा उधर होता है? नहीं, ये हमेशा किसी ना किसी के साथ होता है, वहाँ पे ही बैठ के उन लोग गांजा वगैरह बना के पीते, मना करो तो उन लोग फिर यही करते, लड़ने आते। मतलब इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोग को सज़ा भी मिलनी चाहिए। हमारे घर के बेटी बच्चों लोग को निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, उस जगह से निकल नहीं सकते वो लोग। रात के 9 बजते हैं कि वहाँ पे सब लड़के लोग खड़े रहते हैं, इसके लिए थोड़ा कार्रवाई हो तो अच्छी बात। और अभी तो दिन दहाड़े हो रहा है वहाँ पे, लड़कियाँ ले लेके मतलब गलत करते हैं, सामने बच्चों पे असर पड़ता है ना, तो हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द ये हो। मुमरा पुलिस ने महिला का मेडिकल भी करवाया है और इनकी शिकायत पर NC भी ली गई है। आगे पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2 आरोपियों को भी पकड़ा गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कर्ण ने बताया है कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, सभी पर कार्रवाई की जाएगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।